सर, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि जो क्राइम जॉनर गैंगस्टर वाली फिल्म रहती है उसका इतना स्कोप नहीं रहता है, और एनिमल ने जो अब तक 3 दिन में जो बिजनेस किया है, क्या कहोगे उसके बारे में? एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोप उसी का रहता है। श्याम बहादुर जैसी हमारा सैनिक जो फील्ड मार्शल था, मर गया, शहीद हुआ हमारे खातिर, वो देखने को कब लोग आ रहे हैं, क्लास लोग आ रहे हैं, और यह आशीष आ रही है। तो एनिमल सुपर डुपर हिट हो गई है, करोड़ का धंधा कर रही है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे वहाँ दोनों जगह पे है, यहाँ भी एनिमल है, वहाँ भी एनिमल है, यहाँ भी फुल जा रही है, वहाँ भी फुल जा रही है। और बोलिए सर, ड्यूरेशन को लेकर जो पहले जो बातें चल रही थी कि इतना टाइम पब्लिक कैसे बैठेगी, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहना है? उस चीज़ के बारे में ये कहना है कि पब्लिक इतना टाइम क्यों बैठेगी, ऐसा मेरे को डर लग रहा था, लेकिन पब्लिक को शायद इंटरेस्ट आ गया, बराबरी थोड़ा थोड़ी में पब्लिक बैठती है और चली जाती है। सर, रणबीर को भी एक नया सुपरस्टार बोला जा रहा है इंडस्ट्री का, आप क्या कहना चाहेंगे? 100% बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार, मैं उसको आज से नहीं गिनता। लोगों ने क्यों नहीं गिना मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको राजनीति से गिनता हूँ। जब उसके बड़े भाई को और बड़े भाई की होने वाली वाइफ को उड़ा दिया जाता है, और फिर ही कम्स विथ कैटरीना, और उसमें जो उसने काम किया है राजनीति के अंदर, दैट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी कोई माने ना माने, आलिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसको इसका सुपर डुपर हस्बैंड मिला है, जहाँ तक एनिमल इज कंसर्न, और इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी और कमाल करेगी। बट सर, वो कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस कह रहे हैं कि सिर्फ एक्शन और सेक्स पे पिक्चर बेचने की कोशिश की, आपको नहीं देखेगा? जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पब्लिक है जो देखता नहीं चाहती, उनको ये देखने का शाम बाद आओ, और शाम बहादुर भी देखो, हमारे मेडिकल इसमें दोनों है, यहाँ पे खाली एनिमल है, बाकी तो सबको मजा ही आती है, सब एंजॉय करते हैं। ऑन द कंट्री सबका कहना ये है, पब्लिक का कहना ये है, आज तक रणबीर कपूर ने इतना अच्छा काम किया नहीं है, इज नंबर वन इन दिस वर्किंग। सर, जैसे कि हमने देखा है कि बॉबी देओल को जो सिर्फ 20 मिनट का जो टाइम मिला, तो क्या लगता है अगर उनको ज्यादा जो स्क्रीन स्पेस मिलती तो वो रणबीर को ओवरशेडो कर सकते थे? नहीं, ओवरशेडो तो रणबीर को नहीं कर सकते, क्योंकि रणबीर का कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन उसका मुकाबला कर सकते थे। ये 15-20 मिनट में विलेज बंदा वो आया था, कल हमारे गिरी गली से था, कल काफी धमाल हुई इधर, तो देखो कोई भी आए, सब अपने अपने रोल निभाते हैं, और रणबीर का रोल बहुत पावरफुल था, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं उसमें। राइट सर, अभी यही है कि जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी, वैसे पठान और गदर 2 को तो ब्रेक कर ही दिया है। हाँ। एक लेवल पे क्या जवान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? अगर आगे अच्छी चली, पब्लिक ने अच्छा डिमांड किया, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए वापस दिसंबर में डंकी आ रही है, प्रभास की सराहट आ रही है, तो कौन किसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ये सब डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो पब्लिक जब पसंद करेगी अपने आप रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। राइट सर, आपको लगता है कि ये जो साउथ के फिल्म मेकर्स है वो बॉलीवुड पे रूल करेंगे, क्योंकि अटली और संदीप रेड्डी वांगा दोनों साउथ से आके बॉलीवुड की, आई थिंक हाईएस्ट ग्रॉसिंग दो फिल्म्स की अगर बात करें तो जवान और एनिमल है। करना चाहिए, करेंगे तो हमें फायदा होगा। एक जमाना था पठान, गदर 2 और जवान से पहले हमारा चलता ही नहीं था बॉलीवुड, हम वहां से हिंदी डबिंग की पिक्चर लाते थे, जैसे पुष्पा, KGF 1, KGF 2, हाँ, RRR, ये सब वहां की चल रही। अब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी फिल्म आने लगी है, खुशी की बात। अब देखते हैं डक्की और सराज के बीच में क्या होता है, दोनों को एक ही दिन आना है। ये जो मेरी एडवाइस रहती है ना, आगे पीछे आओ तो दोनों को फायदा होता है, वो नहीं, उनको एक ही साथ आना है। वो जो ईगो है ना, वो कितना काम करते हैं, दोनों पिक्चर रिलीज होगी पता चल जाएगा। क्योंकि प्रभास को बहुत जरूरत है अभी सुपर हिट की, क्योंकि आदि पुरुष में ना पुरुष रहा ना आदि राम, क्योंकि राम को करना या राम की एक्टिंग करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो रिलीजियस फिल्म है, रामायण थी जो रामानंद सागर ने एक जमाने में बनाई थी, सुबह 9 बजे पूरे इंडिया में कर्फ्यू लग जाता था वो देखने के लिए, वो बात प्रभास को करनी है अभी, देखो सराट में कैसे करते। सर, जैसे कि देखिए कि जो पहली जो अडल्ट फिल्म जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया वो कबीर सिंह थी, और उसके भी डायरेक्टर संदीप जी ही थे, तो सर उसने जो एक अडल्ट फिल्म्स के लिए जो एक रेंज खोली है जो बॉक्स ऑफिस पे, उसके बाद हमने देखा ये फिल्म भी अडल्ट होने के बाद इतना वायलेंस होने के बाद भी इतना करिए, तो उसके बारे में आपको क्या क्या एक बेंचमार्क सेट किया है सर? ऐसा है कि एडल्ट कौन देखता है आजकल, ये लड़का 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का है, ना PVR देखता है, ना INOX देखता है, और हम लोग देखने जाते हैं तो हमको वही गेट पे गाली देते हैं, हम एडल्ट से काय को हमको पूछते हो,
पीवीआर है उसमें तो कोई पूछता नहीं, तो ये चल रहा है। अच्छा ये चल रहा है तो जो जाता है जिससे आता है आने दो, बैठो मजे करो। एड्रेस न होने के बावजूद भी बाहर मजे कम करते हैं आजकल, तो टीनेजर जो मजे करते ना वो कोई नहीं करता, समझ गए?